मित्रों को जय जय सियाराम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज मेहंदीपुर बालाजी की कथा आपको सुनाएंगे। तो मित्रों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेहंदीपुर में घोर जंगल था, घनी झाड़ियाँ थी, शेर चीता आदि जंगल में जंगली जानवर पड़े रहते थे। चोर डाकुओं का इस गांव में डर था। जो बाबा महंत जी महाराज के जो पूर्वज थे, उनको स्वप्न दिखाई दिया और स्वप्न की अवस्था में वे उठकर चल दिए। उन्हें यह पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। स्वप्न की अवस्था में उन्होंने अनोखी लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही है, एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज, श्री भैरव बाबा, श्री प्रेतराज सरकार को प्रणाम किया और जिस रास्ते से फौज आई उसी रास्ते से फौज चली गई। और गोसाई महाराज वहां पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे अपने गाँव की तरफ चल दिए। घर जाकर वो सोने की कोशिश करने लगे, परंतु उन्हें नींद नहीं आई। बार बार उसी स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। जैसे ही उन्हें नींद आई, वही तीन मूर्तियाँ दिखाई दी, विशाल मंदिर दिखाई दिया और उनके कानों में वही आवाज़ आने लगी और कोई उनसे कह रहा, बेटा उठो, मेरी सेवा और पूजा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा और कलयुग में अपनी शक्तियाँ दिखाऊँगा। यह कौन कह रहा था, रात में कोई दिखाई नहीं दिया। गोसाई जी महाराज इस बार भी उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा मेरी पूजा करो। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उठे, मूर्तियों के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद गोसाई महाराज नीचे आ गए और अपने पास लोगों को इकट्ठा किया, अपने सपने के बारे में बताया। जो लोग सज्जन थे उन्होंने मिलकर एक छोटी सी तिवारी बना दी, लोगों ने भोग की व्यवस्था करा दी। बालाजी महाराज ने उन लोगों को बहुत चमत्कार दिखाए। जो दुष्ट लोग थे उनकी समझ में कुछ नहीं आया। श्री बालाजी महाराज की प्रतिमा विग्रह जहाँ से निकली थी, लोगों ने उन्हें देखकर सोचा कि यह कोई कला है, तो अब फिर मूर्ति फिर से लुप्त हो गई। फिर लोगों ने श्री बालाजी महाराज से क्षमा मांगी तो वो मूर्तियाँ दिखाई देने लगी। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक कुंड है जिसका जल कभी खत्म नहीं होता है। रहस्य यह है कि श्री बालाजी महाराज के हृदय के पास के छिद्र से एक बारीक जलधारा लगातार बहती है। उसी जल से भक्तों को छींटे लगते हैं, जो कि चोला चढ़ जाने पर भी जलधारा बंद नहीं होती। इस तरह तीनों देवताओं की स्थापना हुई, श्री बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा की, और जो समाधि वाले बाबा हैं उनकी स्थापना बाद में हुई। श्री बालाजी महाराज ने गोसाई जी महाराज को साक्षात दर्शन दिए थे। उस समय किसी राजा का राज चल रहा था। समाधि वाले बाबा ने ही राजा को अपने स्वप्न की बात बताई। राजा को यकीन नहीं आया। राजा ने मूर्ति को देखकर कहा, ये कोई कला है। इससे बाबा की मूर्ति अंदर चली गई तो राजा ने खुदाई करवाई, तब भी मूर्ति का कोई पता नहीं चला। तब राजा ने हार मानकर बाबा से क्षमा मांगी और कहा कि हे श्री बालाजी महाराज, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाए, हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दो। तब बालाजी महाराज की मूर्तियां बाहर आई। मूर्तियां बाहर आने के बाद राजा ने गोसाई जी महाराज की बातों पर यकीन किया और गोसाई जी महाराज को पूजा का भार ग्रहण करने की आज्ञा दी। राजा ने श्री बालाजी महाराज की एक विशाल मंदिर बनवाया। गोसाई जी महाराज ने श्री बालाजी महाराज की बहुत वर्ष तक पूजा की। जब गोसाई जी महाराज वृद्धावस्था में आए तो उन्होंने श्री बालाजी महाराज की आज्ञा से समाधि ले ली। उन्होंने श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना की कि श्री बालाजी महाराज, मेरी एक इच्छा है कि आपकी सेवा और पूजा का भार मेरा ही वंश करे। तब से आज तक गोसाई जी महाराज का परिवार ही पूजा का भार संभाल रहे हैं। यहाँ पर लगभग 1000 वर्ष पहले बालाजी प्रकट हुए थे। बालाजी में अब से पहले 11 महंत जी सेवा कर चुके हैं। इस तरह बालाजी की स्थापना हुई। ये तो कलयुग के अवतार हैं, संकट मोचन है। मेहंदीपुर के आसपास के इलाकों में
संकट वाले आदमी बहुत कम है, क्योंकि लोगों के मन में बालाजी के प्रति बहुत आस्था है। कहते हैं कि जिनके मन में विश्वास है बालाजी महाराज उन्हीं के संकट काटते हैं। तो बोलिए जय जय सियाराम, जय हनुमान।